No! हेलो गाइस, मैं हूँ पॉप दूंगा सभी को लव रिपोर्ट एंड आई डोंट नो मैं क्या ऐसा इंट्रो दूँ, बट मैं बिना इंट्रो दिया आज बता दे रहा हूँ, मैं आज के लिए दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे स्क्योरेस्ट गेम ऑफ इंटायर वर्ल्ड के बीच में ना एक भूत होता है जो नेम इज फैस्मोफोबिया एंड हाई स्कूल मोड। लेट्स गो गाइस, नाइट मेयर में खेले जा रहा है फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो कैसा मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है। दिस इज फैस्मोफोबिया। हो क्योंकि मैंने इसके वीडियोस बहुत ज़्यादा देखे हैं बट खेला कभी जिंदगी में नहीं। बट मैं इस कहीं तो स्पॉन हो गया ना, ये सब क्या लिखा केस 9। अबे रिस्पॉन्ड टू वेयर्स आंसर हेलो। मैं इसमें कुछ आइटम लेता हूँ। ओके ये अपना मीटर ले लिया एंड ओके मैंने कुछ आइटम सिक्योर कर लिया एंड ये की होगी। ओके लेट्स गो एंड इनकी वजह से मैं सच बता रहा हूँ ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्राप्त करने वाला हूँ। एंड नाइट मेयर मोड सच में मेरे को बहुत ही घटिया लग रहा है। पूरा का पूरा अंधेरा सा हो चुका है यहाँ पे। प्लीज गॉड सेव मी। अभी तो थर्मामीटर बिल्कुल सेम है। ये क्या है? ओके मुझे इसे कैप्चर करना होगा। लेट्स गो। कम ऑन बैकिंग बस। एंड मुझे कुछ और भी लेना होगा जो मेरे लिए शायद बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। पहली चीज़ तो एक जादू मंत्र लेना होगा एंड ये टॉर्च की टॉर्च की वजह से अगर मैंने कुछ देखा तो शायद ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा। सच बता रहा हूँ मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता इसमें करना क्या था, बट इतना मुझे पता है उस एक इनविजिबल भूत होता है जो कि तुम्हें मारता है, तुम पर अटैक करता है एंड तुम्हें उससे बच कर रहना होता है। इसके आगे इतना ज़्यादा अंधेरा। What is that? Hello? सारे गेट्स तो लॉक है ना। मैं अपना ओके मैं अपना हे वे मीटर तो बढ़ा था 6.1 पे। हेलो अगर कोई इधर हो तो प्लीज़ आ जाइए वरना मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से। मीटर भी सेम है। इधर नहीं है ना। प्लीज़ गॉड इधर मत होइयो। मेरे को कहा कुटर मारो। इतना ज्यादा अंधेरा। मेरा तो जी धक धक कर रहा है। ओ गॉड मेरा मीटर तो सेम ही है, अभी कुछ ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। वेट ये स्मोक कहाँ से आ रहा है? नहीं एवरीथिंग इज फाइन ना। अभी मीटर भी नहीं बढ़ा कुछ। लेट्स गो। मैंने मीटर को फेंक दिया, उसको भी फेंक दिया। लेट्स गो आउट एंड ये मेरे पास टॉर्च है एंड मुझे उस कोस्ट को पता लगाना पड़ेगा। मैंने टॉर्च को फेंका तो बट मेरे को ऐसा डर क्यों लग रहा था, बहुत तगड़ा लगा। और मैं इधर से बाहर भी हो चुका हूँ, इस जंगल में आ चुका हूँ, आउट हो चुका हूँ इधर से एंड ये रही मेरी बस। लेट्स गो एंड मुझे कुछ और आइटम्स लेने होंगे, बट ऐसा मेरे को दूर से लग रहा जैसे बस में कोई हो अंदर, लेकिन बस में आई थिंक कोई नहीं है ना। वो गेट्स हैं। ओह वो गेट है। मेरे को लग रहा था कि जैसे बस के अंदर कोई है। नहीं पेड़ वेड़ से बच के। जिंदगी में पहली बार फैस्मोफोबिया खेल रहा हूँ बट इतना ज़्यादा डर पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को अभी से। ओके ये EMF रेडिएटर है एंड ये 4K कैमरा है पैनासोनिक का एंड ये वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी तकड़ी। ओह इससे मुझे क्लियरली दिख रहा है सच में। वाओ एंड मैं इसे अंधेरे में भी देख सकता हूँ कहाँ क्या हो रहा है कहाँ क्या नहीं हो रहा है। लेट्स गो। मैं अपने कैमरे के सहारे ही चल रहा हूँ इतना समझ लो। मुझे एग्जैक्टली जमीन पर कुछ भी ना दिख रहा। हे इतनी अजीब सी आवाज क्यों आ रही है यार। हे कुछ तो गया साइड से। नहीं ना कुछ। हेलो प्लीज अगर कोई हो तो दिख जाइए प्लीज। मम्मी मैंने MF पैरा रीडर ले लिया है भाई साहब। ये भी एग्जैक्ट चल रहा है।
अगर गोस्ट वो आपस में आएगा, आई मीन नजदीक आएगा मेरे, तो वो तेजी से चलने लगेगा, चलने लगेगा आई मीन। ओके नहीं, वाइट इधर मेरे को भी क्लियरली दिख रहा है। एंड इधर ये मैंने आई थिंक इधर उजेला लगा, इधर भी एक टॉर्च है। मैंने अपना रेडिएटर एंड वो पैरासोनिक का उसको भी उधर फेंक दिया, कैमरे को भी, एंड मेरे को सारे इक्विपमेंट धीरे धीरे करके लाने होंगे, क्योंकि उन्हीं की मदद से मैं उस गोस्ट का पता लगा सकता हूँ कि एक्चुअली वो है कहाँ पर, किस जगह पर, किस डायरेक्शन पर। एंड एक बार में मैं दो ही चीज़ या तीन चीज़ पिक कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को बार बार आना पड़ता है यार। ये इस चीज़ आई मीन इस सोलो मोड की वियर्ड लगती मेरे को। ओके सीसीटीवी कैमरा, ये मेरे को कैमरे में कोई दिख रहा है। ओके दिस इज बुक, एंड ये बुक को भी ले लेता हूँ। ये मंत्र नहीं, इसको नहीं लेता, इसको बाद में लेता हूँ। लेट्स गो, एंड मैं एक अगेन फिर से टॉर्च लेकर जाता हूँ। एंड मेरे को कैमरे में कुछ तो दिखा था, जैसे कि वहाँ पर कोई खड़ा था, और आई डोंट नो वो कौन था, क्या कर रहा था, बट आई थिंक वो खड़ा था। प्लीज़ गॉड सेव मी, आई डोंट नो क्या होने वाला है मेरी लाइफ के साथ, बट मेरी इतनी ज़्यादा फट क्यों रही है। कम ऑन, हेलो, कोई नहीं है ना, कोई नहीं है इधर, कोई नहीं है ना। कमान, ये मेरी बुक है, एंड इस बुक का मुझे जो करना होगा अभी करना होगा, तुरंत करना होगा। लेट्स गो, कमान। ओके, एंड इसकी वजह से अगर भूत मेरी एरिया में आएगा तो मैं उसको पता लगा लूँगा, और बुक भी यही सेव कर देता हूँ। एंड ये थर्मामीटर 002.0 का सिग्नल दे रहा ड्यूरेशन, अरे नहीं ठीक है इतना टू। ओके एवरीथिंग इज फाइन आउट हियर। हे नो वेट, एविडेंस ईएमएफ लेवल 5। ओके ईएमएफ लेवल 5 हो गया कंप्लीट, ये ईएमएफ लेवल 5 हो गया। एंड मुझे अभी और इसके आगे टास्क करने होंगे। ईएमएफ लेवल 5 तो कंप्लीट हो चुका है इधर। लेट्स गेट आउट फ्रॉम हियर फास्ट अगेन। एंड मुझे एविडेंस एंड कुछ चीज़ें प्रूव करने के लिए कुछ और आइटम्स लाने होंगे, एंड उस भूत से बचने के लिए भी कुछ लाना होगा। ये मंत्र मेरे काम आएगा, आई मीन ये पता नहीं कौन सी स्टिक है, आई थिंक ये स्टिक मुझे उससे बचने, और ये टैंगने वाला इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोवेटिव गोस्ट राइटिंग डॉट्स प्रोजेक्टर गोस्ट, और बोल गया वेट सीसीटीवी वर्किंग ना, या एब्सोल्युटली इट्स वर्किंग, मोस्ट स्वैप कैमरा नो कीबोर्ड टॉगल नाइट विजन। ओके इधर तो एवरीथिंग फाइन है। इनकी भी आवाज नहीं आ रही। कुछ भी इसका रिवर्स अभी नहीं आ रही। लेट्स गो, एंड यहां तो बिल्कुल सा अंधेरा हो गया। ओह नो, लेट्स गो, मुझे उसी साइड से जाना होगा जिस साइड से भी आया था। ओके एंड ये जो है ना, अरे इसको क्या बोलते हैं, यूवी लाइट्स, क्या बोलते हैं इसको, नाम याद आ रहा मेरे को, यूवी लाइट्स, ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं उस गोस्ट को पहचानने में। कम ऑन, इसकी रेडिएशन जो होती है ना वो मुझे पहचानने में, और ये मुझे उससे बचाएगा। ये आई थिंक क्या बोलते हैं उन गॉड का, क्या नाम है, द ग्रेट चर्च, नहीं यार वो, ये मंत्र है, उस भूत से बचाएगा। ओके
एवरीथिंग इज फाइन आवर हियर। चारों तरफ से मैंने इसको भी पैक कर दिया। इट्स गो, इधर भी कोई नहीं है ना, इधर कहीं मेरे को हाथ वाथ का पंजा वंजा नहीं लग रहा है, इधर आया ही नहीं गोश्त का सिधारा जाता। ओके, मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया। वेट वेट वेट, मैंने इसको भी यहीं पे लगा दिया। हे, अलार्म की स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है। कोई आया इधर, कोई तो आया इधर। लेट्स गो। किसी के चलने की तो आहट आई थी। MF लेवल 5 केवल कंप्लीट हुआ है। गॉड प्लीज अटैक मत करियो मेरे ऊपर। ओके ओके, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। जब घर से बाहर निकलता हूँ ऐसा लगता है जैसे कि पूरी की पूरी जान आ गई हो, बट जब अंदर आता हूँ तो मेरे लगता है जान अटक चुकी है बहुत तगड़ी वाली। लेट्स गो। हेलो बेबी, इधर तो सब कुछ ठीक होती ना, कैमरा तो चल रहा ना बकायदा। हम गोस्ट राइटिंग इज इसको भी कट कर दिया एंड इनको दो लिया। लेट्स गो अगेन। ओह गॉड प्लीज इस बार कुछ मत दिख जाइयो। मैं इतना डर क्यों रहा हूं, इधर कोई नहीं है ना, प्लीज इधर आ जाओ। एक तो इसको रहा ऊपर, डर मत नहीं मैं क्यों रहा हूं। नहीं। ओके, मैंने इस गेट की तरफ भी टॉर्च लगा दिया एंड मैं हर एक जगह पे ये टॉर्च लगा दूंगा ताकि अगर वो आए तो मुझे दिख जाए, क्योंकि नाइट विजन है, इतना इजी नहीं होता ये। ओके, मैं एक गेट के पास, हर एक गेट के पास स्केपिंग, आई मीन स्केपिंग नहीं बट ट्रैप डोर लगा सकता हूँ जिसकी वजह से अगर वो आए तो मुझे पता लग जाए। इधर EMF मीटर एंड ये सर्कल एंड आई नीड वन मोर दिस थिंग, लाइटर एंड ये भी लेना होगा, इसकी वजह से हम गोश्त से बच सकते हैं जला वला कर। लेट्स गो। प्लीज गॉड इस बार तो बचा कर गयो, मुझे कुछ करना होगा, आई मीन उनको चलाना होगा। कमान। ये यहीं पे हैं, दो को लगा दिया, तीन को लगा देता हूँ एंड इसको लगाता हूँ। हाँ नहीं 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 ओके, इसको भी फेंक दें यहाँ पे, इसको बाद में देखते हैं। एंड पर ये मुझे यहाँ से चेकआउट करना होगा। बिल्कुल अंधेरा सा, कुछ दिख भी नहीं रहा, सिर्फ एक टॉर्च है मेरे पास। लेट्स गो। एंड इधर ये रहा, मैं इम्पोज, ये मुझे बताएगा गोश्त कहाँ पे है। कमॉन, ये एब्सोल्युटली, बट मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली इसका वर्क क्या होता है, बट इतना तो मुझे पता है अगर ये यहाँ पे है तो इसका भी कोई वर्क जरूर होगा, वो भी बहुत खतरनाक। कैमरा भी इधर है, फोटोज, एवरीथिंग इज फाइन, एविडेंस, ओवरव्यू। ओके, ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। ये यूवी लाइट्स इधर पड़ी, इधर कुछ तो हुआ कि नहीं हुआ, इधर कुछ भी ना हुआ है। एंड मुझे कुछ और आई मीन क्या बोलते हैं ना, एविडेंस चाहिए, नहीं तो मैं शायद प्रूफ ना कर पाऊँ घोस्ट होस्ट असलियत में एग्जिस्ट करते हैं। फेसबुक हो गया,
नहीं, मेरी लेजर लाइट्स को मैंने बंद किया अभी, और मैंने ये कैमराज को या फोटोज, ओके कैमरा की फोटो गई, लेट्स गो, यूवी लाइट्स किधर, मेरी लेजर लाइट्स, कम ऑन कम ऑन डू इट फास्ट। इसमें तो बिल्कुल नॉर्मल भी दिख रहा है। अबे कुछ होगा नहीं क्या भाई इसमें? मेरे को फालतू का इतना वेस्ट करा रहे टाइम। हे कुछ तो आवाज आ रही चलने की, कुछ तो आवाज, वेट कुछ तो आवाज आ रही चलने की, प्लीज गॉड हमको इतना डरावना काय लग रहा है, अभी से फीलिंग आ रही है। ये मेरा गोस्ट राइटिंग शेड स्प्रिट अटैक माइलिंग अवेलिंग इज वेरी वोकल एंड एक्टिव होस्ट माइलिंग स्प्रिट स्प्रिट तो नहीं है शेड, ये भी नहीं है, मुझे गोस्ट का नाम भी पता लगाना होगा। नहीं नहीं कौन सा गोस्ट है बे, जो भी हो सामने आ जाइयो प्लीज, ऐसे मैं डरा हूँ, आवाज स्केरी स्केरी निकाल के। गोस्ट लेवल और गोस्ट कौन है भाई, क्या नाम है तेरा, स्पिरिट हो माइलिंग कौन सा भाई, जरा सा अपना चेहरा तो दिखा दियो, कोई तो इधर कटर पटर कर रहा है, चल आप कौन है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। इज गॉड गेट बंद हो रहा है, नहीं इधर कोई है, हेलो प्लीज कोई है इधर, ओके अभी हमको ऐसा ही गेम खेलना था, बट इतना तो ये कड़ूस लग रहा है मेरे को, ज्यादा स्कैरी कड़ूस ज्यादा तो स्कैरी लग रहा है, मेरी ज्यादा फट क्यों रही है। इधर कोई है, मैं इसको बंद ही कर दूँ ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, अदरवाइज ये मेरे को खा पी जाएगा यहीं पे, इतना बुरा अटैक करता है। कम ऑन डू इट फास्ट, इट फास्ट डू इट फास्ट डू इट फास्ट डू इट फास्ट, एंड 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 मुझे इसे ले जाना होगा उसके नियरेस्ट, अगर वो होगा तो ठीक जाएगा मुझे, ओके ओके ओके। कमान 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 कमान, ये फायर मशीन, अबे इस क्या बोलते हैं, खास रूप मैंने कौन सा ये अनरिजल्ट ले लिया, मेरे को समझ में नहीं आता, मुझे तो मेरी जान फट रही है, प्लीज गॉड सेव मी। हेलो अगर गोस्ट ब्रो कुछ तो अजीब से आवाज आई ना, मैंने उसमें उसके ऊपर भी फेंक दिया, प्लीज गॉड मैं इधर हाइड हूँ, मेरे को मत देखना, अगर माइलिंग ये माइलिंग है, अबे इसका मैं मुंह फोड़ दूंगा साले सुअर के पिल्ले, तूने मुझको क्यों मारा, कोई तो आ रहा है इधर, ओह गॉस्ट मुझे 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 इसके पिक मिली थी ना इधर, ये मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, किधर गए बे तू, उधर ही है ना,
एवरीथिंग इज फाइन नाउ, प्लीज करो तू दिख जाओ वरना मैं लाइटर से तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगा। ये साले पता है टॉर्च में भी ना दिखते, अंधेरे में तो बिल्कुल दिखते ही नहीं, वो तो बात ही अलग है। हेलो इधर हो तुम? मैंने टॉर्च आमने सामने रख दी। वेट, मैं भी कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि अगर उसने मुझे दोबारा से देखा तो शायद मेरा ही कारनाम कर दूँ। तो अच्छा वो स्पीड से बिल्कुल धीमे से चल रहा था, पता नहीं ये इतना ज़्यादा स्कैरी क्यों होता जा रहा है। सच में ये आई लग रहा है मेरे को मार ही डालेगा, ऐसा 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 तो बिहेव करता साला। मैं इधर बस बाहर आ गया अपनी बस के पास एंड मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील करना होगा। वेट, कम ऑन, लेट्स गो। मेरे को अभी इस भूत को मारना ही होगा। ओके, ये मेरे लिए काफ़ी बेटर फील कराएगा। लेट्स गो, मुझे इसे भी एक चाहिए था एंड मैं सोच रहा हूँ ना कि एक ही बार में ले लेता हूँ जो लेना होगा मेरे को बार बार। मैं बार बार क्या करने आऊँगा यहाँ पे? बट आई थिंक लग रहा है मेरे को दोबारा यहाँ पे आना होगा। लेट्स गो, एंड अगर स्पिरिट होगा तो इससे भाग जाएगा 100%। अबे सुअर, अगर तू सामने हो तो प्लीज सामने ही आ जाओ वरना मेरा घर मेरा भेजा टन का। तो आई थिंक मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। मैं इधर तो सब ठीक है ना? हेलो बेबी, ओ नो, एवरीथिंग इज़ फाइन ना? इधर तो सब कुछ ठीक ठाक है, इधर तो कुछ दिख नहीं रहा। ओके, मैं मेरे को इधर से ये पिक करना होगा और इस साइड। कोई किसी ने तो आवाज़ मारी है। प्लीज़ गॉड प्लीज़, इधर कोई मत होयो। अबे स्पिरिट तू कहाँ है? दिख जा अबे, पॉटी में घुसा होगा क्या बे? आई थिंक इस एरिया में नहीं आता ना पॉटी वगैरह में। सामने से तो नहीं आ रहा ना। लेट्स गो, इस रूम में आगे बंद कर ले तो मैं ना देखूंगा ना भोगूंगा, काम ही खत्म। ऐसे भी कोई ना है। ये तो इक्वल है। अबे स्पिरिट है, मुँह आई ना छुआई ना कौन बे? सबसे वियर्ड चीज़ मेरे को इस गेम की ये लगती है कि इसमें साला घोस्ट का नाम भी पता करना होता है कि कौन सा साला घोस्ट है। अब हमारी जान यहाँ पे अटकी पड़ी है और इसका हम घोस्ट का नाम पता करें? अबे ना हमारा चाचा लगता है ना फूफा लगता है, फिर भी हमको नाम पता करना पड़ता है, अदरवाइज टास्क ही ना पूरा करने देंगे ये लोग। या हमारी जान हलक पे लटकी हुई है, नाक में बस लटकी हुई है। आ, 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 कोई तुम्हारा साला, तू भी अभी आना था तेरे को, और हमारी जान ऐसे ही अटक जाती है किसी दिन। और हमको पता, ये जान बचाने के उपाय नहीं ढूंढने पड़ते इसमें, हमें इसमें ये ढूंढना पड़ता है ससुरा घोष का क्या नाम है बे, है तेरी तो। कम ऑन, सामने आजा, मैं तेरे को ऐसे ही चबा जाऊंगा। सामने आई एम ड्रिंक, एवरीवन नोज। वेट, यूज लाइट्स, कम ऑन। अबे सुवर के पीले, तू मेरे जान लेने में तुला है कब है? मेरे सामने खड़ा था ना ये, मार डाल रहे को, मेरे को एक साथ ही खत्म कर दे। मैं नहीं हूँ इधर। ओके, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। किधर गया पुल्ला? अबे रुक चिल्लू, किधर गया बे तू? ये मीटर तो मेरा इक्वल ही है अब, 32 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है।
अब एक 58 123 हो जाए, सीधा काम ही खत्म हो जाए। ये आवाज़ कर रहा था आई थिंक, लेट्स गो इधर तो रही है ना आप कोई, ये कमरे में तो कोई नहीं ना पक्का। ठीक से भूत भी ना दिखता है, उसका नाम भी पता करना होता है। ओके एक और एविडेंस की फोटो मिली है। अब हमको तो लग रहा है भूत के पूरा खानदानी सर्च करना पड़ेगा, तभी हमको पता लगेगा कि साला वो भूत का नाम क्या है। हमारी जान यहाँ पे एकदम लटकी हुई है, बस छूटने की देरी है, बट इसको भूत का नाम पता करना। अबे यार हेलो बेबी किधर हो तुम, मैं इसको जादू मंत्र को उठाता हूँ यार। हेलो आ तो नहीं रहे ना, गेट वेट खोल के आराम से इधर से। मैंने देखा अंडरवेज टॉर्च प्रोजेक्टर एंड फ्रीजिंग। वेट ये फ्रीज कर रहा था? नहीं ये नहीं फ्रीज कर रहा था। ओके ये काफ़ी एरिया सेफ करेगा, ये इधर का पूरा कवर कर लेगा। ओके अबे सुअर तू सामने हो तो आ जाइयो, वरना पीठ पीछे से हमला मत करना। हेलो बच्चा किधर हो तुम, प्लीज आ जाओ, वरना मैं मरवाने में लगे हो तुम लोग। इस ससुरा के हमको एक ग्रेवयार्ड की ड्यूटी मिली थी, अब उसमें तो हमारे प्राण एकदम मतलब चू गए थे, बस वो तो जमीन में नहीं गिरे थे, जमीन में गिरते गिरने से पहले ही फ्रीज हो गए थे, जो कि मैंने फिर से वापस कर लिया। बट इसमें तो एकदम नाक के ऊपर बैठे हैं। अबे हिला रहा हूँ इतना तभी भी कुछ ना हो रहा। अबे साले तू किधर गया, अभी तो इधर से आया था दर्शन करा के चला गया सुअर। भूत बेटा इधर मत आइयो, हम तुम्हारे लिए पूरा का पूरा ट्रैप ही बिछा देते हैं। एक मिनट हम ट्रैप तो कोई बिछा नहीं सकते, बट हम उसको फाइन जरूर कर सकते हैं और उसका नाम जरूर पता लगाएंगे, क्योंकि उसके नाम पता लगाना ही तुम्हारा। भूत बेटा हाँ तुम कौन सा हमसे बदला ले रहे हो, तुमको हम गाली बक दिया इसीलिए बदला ले रहे हो का? ये पूरे अकेले कॉलेज में हमको ही तुम परेशान कर रहे हो। मेरे सामने गेट पर कोई खड़ा है, अबे प्लीज सामने हो तो आ जाइयो। ये लाइट मत ब्लिंक कराओ, नहीं तो कोई आ रहा है। कोई अजीब सी रोने की आवाज आ रही है। अबे ओ चूतिया इधर निकल के आना, वहाँ से रो रहा है साइड से, मैं तेरा नाम ही कम से कम पता लगा लूँ। सलम मर रहा है ना, बाहर निकल रहा है ना, हमको काम करने दे रहा है, बस फालतू का मेरे दिल की धड़कन की स्पीड बढ़ा रहा है। अबे ओ नो ये क्या है सामने, ये मेरा जल रहा है। ओ नो अबे साले चचुंदर की औलाद। ओ नो इतना हाई टेम्परेचर करा दिया था पूरा, मेरा हाथ का जल का सुलग गया, एकदम खत्म हो गया भूसंड कहीं के। तुम्हारे बत्तीसी भी बाहर निकाल देंगे, यहाँ मेरे पूरे दिल के करिश्मा बाहर निकाल दिया तुमने। हेलो बेबी आई लव यू सो मच, पर तुम इधर ना अपना ऐसे स्कैरी फेस मत दिखाया करो, अगर आना हो तो सामने आ जाइए करो, वरना तो तुम मत दिखाया कर। कुछ तो हुआ फिर यहाँ पे,
एंड इतना ज़्यादा स्कैरी तो शायद मैंने यहाँ से पहले कभी अपनी ज़िंदगी में ना खेला है। सारी ज़िंदगी के तब अपने झंड बना रहे हैं सुअर की औलाद। हाँ इसको अगर इधर प्लेस कर दो तो ये सारा कवर कर लेगा एरिया, इधर से भूत एंट्री नहीं मार पाएगा। राइट से करते हो का हो यार इतना मारने में तुले हो का। इधर सब ठीक है ना? प्लीज गॉड इधर सब ठीक ही हो, ये तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। अबे ऐसा कौन डराता है बे, रिंग रिंग तुमको कौन बे, रात है कोई स्कूल नहीं लग रहा है, कुछ तो कटर पटर हो रहा है और हमारी जिंदगी के भी दिन घट बढ़ रहे हैं। ये गेट भी आधा बंद हो रहा है, इसमें कौन सा भूत लग गया? प्लीज को अंदर मत आई। ओ नो ये धुआं उठ रहा है, इधर कोई आ रहा है। प्लीज हम आके ही बंद कर लेते, साला न देखेंगे न भोंकेंगे, काम ही खत्म हो जाएगा। इधर से तो नहीं आ रहे हो ना भैया? प्लीज इधर मत आई वरना तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। गेट से तो नहीं निकलता ना साला ये भूत? ये कौन है? ये लड़की को मैंने देखा, ये बैठ के आ रही थी। एक मिनट ओवरव्यू आगे अपनी। अबे तेरी अबे तेरी माँ की आँख मारू। अबे तू हटना स्पिरिट है। अबे स्पिरिट मैं सामने देख रहा हूँ कोई तो खड़ा ही था इधर से। सारे कालिया मैं तेरी आँख की माँ की मैं तेरी पैंटी की कसम तेरा मुँह फोड़ दूंगा। मेरे रुक तू यहाँ क्या कर रहा है? अपना जिंदगी खत्म हो रही है ना? किधर गया तू? घुसंड कहीं के? कोई तो फिर आ रहा है। हे क्लोज द फैन कम ऑन Come on, close the fan. Okay. अबे मैं कैमरा लेकर जाता और हमारी जिंदगी यहाँ अटक चुकी है। ई ससुरा के यहाँ पे पॉटी करके गया था। मैंने एक और एविडेंस पता लगा लिया। इतना अंधेरा में हमारे क्या यहाँ चार डालोगे कब है? हमको फॉलो करके हमको मरवाओगे का? तेरी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी भाया, इतना क्यों हमको मारवाने में तुले हो भाया? हमने तुमसे फालतू का ही पंगा लिया भाया, प्लीज लीव मी अलोन, लेट्स गो। मैं इधर बाहर ही आ जाता हूँ। आई थिंक मैंने सब कुछ तो पता लगा लिया ना, लेट्स गो। एंड अभी मेरे को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, पता लगा मैं साला खुश हो रहा हूँ और उधर ही अपना वो अलग ही गेम हो रहा है। मेरे को इधर ही सुहा कर दे, लेट्स गो। पहले मुझे सेव करना होगा कुछ। बेबी डॉल किधर हो तुम? ओके इसको भी रख देते हैं। एंड आई थिंक मैंने अपना सारा मिशन कम्प्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ फटके मेरे हाथ में आ गए थे। क्लोज द डोर, ओवरव्यू, ओके एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। बर्न क्यूरिसिटी क्यूरिफिक्स। स्पिरिट इज अ वेरी कॉमन घोस्ट। लेट्स गो गाइस, एंड आई थिंक मैंने अपना घोष वाला टास्क कंप्लीट कर लिया और हम बन चुके हैं सुपर बाबा अल्टरनेटिव वाले, जो मतलब भूतवा को कंप्लीट करते हैं। ओ माय गॉड साहब, गावे जो भी था बहुत ज़्यादा खतरनाक था गाइस। जैसे मैं इतना ज़्यादा कमा भी चुका हूँ एंड आई डोंट नो, मैं ऐसे जॉब्स करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। गाइज तुम्हारा काम है सब्सक्राइब कर देना यार, कम ऑन प्लीज यार सब्सक्राइब करना। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ना सच में इतना ज़्यादा घटिया ये काम था, बट जो मेरे प्राण एकदम हालत में आ गए थे। कम ऑन सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब कर दे, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल, अदरवाइज घोस्ट हंटिंग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, व्हाट द फक इज दिस? कम ऑन ब्रो सब्सक्राइब नाउ।